नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। खबर के मुताबिक ये एनकाउंटर जिले के काकापुरा इलाके में हुई। सेना के कई सारे आतंकियों को अपने निशाने पर ले रखा है। दोनों तरफ से हो रही है गोलाबारी। प्रदेश में कोरोना को लेकर गुजरात सरकार ने राजस्थान से गुजरात जाने वाले वाहनों पर लगाई रोक। बिना कोरोना रिपोर्ट किसी भी यात्री को नहीं दिया जा रहा प्रवेश। राजस्थान का सिरोही जिला गुजरात सीमा से सटा है। ऐसे में बॉर्डर पर गुजरात सरकार के चिकित्सा विभाग की टीम बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं दे रही है प्रवेश। कोटा के सुकैद गैंगरेप मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नाबालिग से पहले भी हो चुका है गैंगरेप। राजसमंद जिले में गुरुवार को मां के देहावसान पर तीन बेटियों ने मां को कंधा देकर दी मिसाल। सामाजिक रूढ़िवादी नियम तोड़कर पेश की मिसाल। पुलिस लाइन में तैनात सहायक पुलिस उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह ने गुरुवार को शहर के खेजड़ी चौक स्थित अपने निवास पर की आत्महत्या। बताया जा रहा है कि घटना के समय ज्यादातर सदस्य बाहर गए थे। नरेंद्र सिंह बीते कुछ दिनों से डिप्रेशन में होने से परेशान थे, जिसके चलते उन्हें लाइन में तैनात किया गया था। उनका उपचार भी जारी था। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने दांडी सत्याग्रह यात्रा निकाली। गुरुवार को ये यात्रा महाराष्ट्र से डूंगरपुर पहुंची। पिछवाड़ा के धामोद गांव में यात्रा के पहुंचने पर किसानों ने यात्रा का किया स्वागत। मेधा पाटकर ने धामोद गांव के किसानों के लिए बैठक। बैठक में पाटकर ने कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में दी जानकारी। पाटकर ने कहा, नए कानूनी प्रावधानों से भारतीय संस्कृति और देश के अर्थतंत्र को है खतरा। पाटकर ने कहा, किसानों के आंदोलन के समर्थन में लोगों को जागरूक करने के साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन रखेंगी जारी। सत्याग्रह यात्रा उदयपुर की हो रही रवाना। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 1350 केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा बढ़कर 3,34,499 पर पहुंचा। बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की हुई मौत। अब तक 2,822 संक्रमित मरीज बीमारी से तोड़ चुके हैं दम। जयपुर में गुरुवार को संक्रमण के सबसे ज्यादा 242 मामले सामने आए। कोटा, उदयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर से भी आए मामले। हीरो विकास खंड स्थित कस्बा विवेकानंद बिहारी लाल इंटर कॉलेज को बनाया गया मतगणना केंद्र। रायबरेली जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने किया निरीक्षण। जोधपुर के तेवरी के समीप इंद्रोका गांव में नहर में मंगलवार शाम एक युवक का शव तैरता मिला। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना मथानिया पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त बिंजवाड़िया निवासी पद्माराम मेघवाल के रूप में हुई।
शिवपुरा कस्सी के गांव संगर में परफेक्ट लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। न्यू ज्योति स्कूल संगर के प्रधानाचार्य ने काटा फीता। सूरतगढ़ में मास्क को लेकर प्रशासन ने चलाया अभियान, यातायात पुलिस ने दिया साथ। मुख्य बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों से वसूला गया जुर्माना, लोगों को मास्क पहनने की दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के दूसरे चरण के मतदान के दिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर उठाए सवाल, कहा मतदान के दिन पीएम मोदी की रैली क्या कानून का उल्लंघन नहीं। बोयाल में बूथ नंबर 7 के बाहर व्हीलचेयर पर बैठे बनर्जी ने कहा, सुबह से 63 शिकायत दर्ज की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, अदालत जाएंगे ये अस्वीकार्य होगा। कमर्शियल सिलेंडर अब 20 रुपए हुआ महंगा, 1625 की जगह मिलेगा 1655 में। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए की घटत। होली के बाद 7 डिग्री तक गिरा पारा, उत्तरी गर्म हवाओं से प्रदेश में आज से 2 दिन चलेगी लू। प्रदेश के कई शहरों में होली पर 44 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, 48 घंटों में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। दो दिन के सीकर दौरे पर गए संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने गुरुवार को बैठक ली, इस दौरान 26 कर्मचारी रहे गैर हाजिर। शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह कचरे के ढेर में लगी आग, रोड पर खड़ी 3 गाड़ियां जलकर हुई राख। सूचना पर निगम की 3 दमकल मौके पर पहुंची, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। करीब 7 बजे कचरे के ढेर में लगी आग, आग लगने वाले स्थान से आसपास पुराने टायर और पुरानी गाड़ियां खड़ी थीं। फिलहाल खबर गांव शहर बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।